नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। कैसा रहेगा आपके धन और सेहत का हाल, ये बताएगी आपके तारों की चाल, आपका लकी टाइम क्या होगा और कौन से रंग के कपड़े पहनना रहेगा शुभ। साथ ही साथ हम आपको आज के पंचांग के बारे में बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र में है इतना बल कि वह आपके दिन को बना देंगे सफल। आइए अब जानते हैं 3 अक्टूबर 2021 दिन रविवार का आज का पंचांग। विक्रम संवत चल रहा है 2078, शक संवत 1943, कलि संवत 5123 है। हिंदू पंचांग के अनुसार मास अश्विन है, पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु वर्षा ऋतु है। आज द्वादशी तिथि रात 10:29 तक रहने वाली है, इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज मघा नक्षत्र रात 3:26 तक रहेगा, इसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। आज का करण रहने वाला है कौलक, जो सुबह 10:55 तक रहेगा, इसके बाद तैतल करण लग जाएगा जो रात 10:29 तक रहेगा, इसके बाद गर करण लग जाएगा। आज का बनने वाला योग साध्य योग है, जो शाम 4:18 तक रहेगा, इसके बाद शुभ योग लग जाएगा। आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, इस समय सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे। अगर सूर्योदय की बात करें तो आज सूर्योदय सुबह 6:15 पर होगा और सूर्यास्त 6:05 पर होगा। आज चंद्रोदय रात 3:45 पर होगा। चलिए इसके बाद जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से 12:34 तक रहेगा। अब बात कर लेते हैं राहु काल की, जिस समय किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। और आज राहु काल शाम 4:36 से शुरू होकर शाम 6:05 तक रहेगा। आज द्वादशी का श्राद्ध भी है। इसके साथ ही दर्शकों, हमने आपको आज के पंचांग की संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आप अपने शहर के अनुसार सटीक पंचांग जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके जानकारी पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, आज जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्राप्त हो। साथ ही साथ जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी ढेरों शुभकामनाएं। शिव पार्वती की तरह आपकी जोड़ी भी सदा सलामत रहे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का राशिफल। राशि चक्र की पहली राशि मेष के साथ। मेष राशि। सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपको रचनात्मक महसूस करा सकता है। आप दूसरों को कार्य क्षेत्र में कुछ मदद भी कर सकते हैं, जिन्हें काम में आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। यदि लोगों को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है तो उनकी मदद जरूर करें। आइए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज आप अपने पार्टनर के साथ बहस से परहेज करें। जिस बातें होने के कारण आज आपके लिए छोटे छोटे मुद्दे भी दूर पड़ सकते हैं। अपने पार्टनर को शांत करने की कोशिश करें, छोटी छोटी समस्याएं खुद दूर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के करियर के बारे में। अगर आपका खुद का व्यवसाय है तो हो सकता है आज आपको विदेश से कोई अवसर भी मिल जाए। ये अवसर आपके उत्पाद या सेवा को एक नई दिशा में ले जाएगा, इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएं। वहीं वित्त के मामले में मेष राशि वालों, किसी विदेशी कंपनी से आपकी साझेदारी से आपको फायदा पहुंच रहा है। यही समय है कि अपने विदेशी ग्राहकों के साथ कोई बड़ा लेन देन करें, विदेशी पार्टी से अपना संवाद बनाए रखें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मेष जातक, आज आपको वाहन चलाते समय बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके तारे इशारा कर रहे हैं आज आपके कोई दुर्घटना घट सकती है, खासकर तब जब कोई यातायात स्पोर्ट्स कार चला रहे हो। आज आपको ख्याल रखना होगा कि आप कार की स्पीड को थोड़ा कम रखें और सीट बेल्ट लगा कर रखें, इससे आप छोटे हादसों से बच सकते हैं। और आखिर में मेष राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार गहरा भूरा रंग पहनना आज आपके लिए लकी साबित होगा। अगर आपके पास कोई करने के लिए महत्वपूर्ण है तो इष्टतम परिणामों के लिए शाम 4 से 6 के बीच शेड्यूल करें। वृषभ राशि। सिंह राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आप कामकाज में लाभ पा सकते हैं। जैसे आपने योजना बनाई थी वैसे ही काम सामने आएगा और आपके ये बेहद फायदेमंद होगा। जैसे पिछले कुछ समय से आपके दिमाग में चल रहा था, आज आपको अपनी योजनाओं पर बड़ी हलचल दिखाई देने लगेगी। योजना अनुसार काम करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सभी आशाओं को साकार करने और कुछ आपने जो योजना बनाई थी उसे प्राप्त करने का सही समय है। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। रोमांस की दुनिया में आज सब्र ही सब कुछ है। आप महसूस करेंगे कि आपका गुस्सा ही आपसे वो चीजें कहलवा रहा है जिनको लेकर आप बाद में पछताने वाले हैं। आज आप अपना गुस्सा बहुत देर तक नहीं टेकेगा, पर गुस्से के वक्त कहे गए कुछ अनुचित शब्दों का बुरा असर काफी दिनों तक रहने वाला है। आज आपका लक्ष्य होना चाहिए अगर कुछ कहना तो नहीं है तो चुप ही रहें। अब बात कर लेते हैं करियर के बारे में। आपकी संस्था व्यवसाय के लिए आपको विदेश भेजने की तैयारी कर रही है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं क्योंकि इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। इस समय विदेश में किया गया व्यवसाय शुभ लाभ देगा, इसलिए इस मौके का पूरा फायदा उठाएं।
विद्यार्थियों भी गृह क्षेत्र से दूर पढ़ाई करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छे से विचार विमर्श कर लें। वहीं वित्त के मामले में वृषभ राशि वालों कहीं दूर से आर्थिक फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। विदेशी निवेश से फायदे के आज संकेत हैं। यदि आप विदेश में अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं तो सही वक्त है। आप विदेशी पार्टनर से संपर्क बढ़ाइए, आज इससे फिर फायदे दिखेंगे। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। वृषभ जातक, आज आपका कोई घटना घट सकती है जिसमें चोट लगने के संकेत हैं, इसलिए वाहन चलाते समय या खाना बनाते समय आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस बात का ध्यान रहे आप जो भी काम करें ध्यान से करें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। और आखिर में वृषभ राशि वालों के लिए टिप्स हम दे रहे हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार नीला रंग पहनने से आज आपको सौभाग्य प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी। आपको अच्छे परिणाम के लिए सुबह 10 बजे से 11:15 बजे के बीच समय गतिविधियां करने की सलाह दी जाती है। मिथुन राशि, आज आप में से कुछ लोग पैसे के मामले में चिंतित हो सकते हैं। सिंह राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप बेचैन महसूस कर सकते हैं। आज आप अपने खर्चों पर लगाम लगाइए, अन्यथा ये आपको परेशान कर सकते हैं। आप किसी समस्या या बाधा का सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज आपको प्रेम संबंध के मामले में निराशा या आघात लग सकता है, क्योंकि आज आपके रिश्ते में दरार पड़ने की संभावना है। आप इस हालात से परिचित हो या ना हो, पर ऐसे हालात आपके लिए तैयार हो रहे हैं। आप इस खबर से ज्यादा बेचैन ना हो, क्योंकि इस हालात में आप जल्दी अपने उबर पाने में सक्षम होंगे। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के करियर के बारे में। अगर आप विदेश जाने के लिए वर्क परमिट या वीजा का इंतजार कर रहे हैं तो आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। इसके लिए आपने बहुत इंतजार किया है, इसलिए खुशखबरी आपके लिए बहुत मायने रखती है। इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं। वहीं वित्त के मामले में मिथुन राशि वालों, विदेश से होने वाले लेन देन या सांझे के काम से अच्छे लाभ के संकेत हैं। खासकर किसी विदेशी पार्टी से साझेदारी की सोच रहे हैं तो बातचीत के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। जो लोग इस यात्रा पर निकले हैं उन्हें अपने कार्यक्रम में बदलाव भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान उनके व्यवसाय में कोई नई प्रगति हो सकती है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मिथुन जातक, आज आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। छोटी छोटी बीमारियों से बचें, आपको सिर से संबंधित कोई चोट भी लग सकती है, इसलिए गिरना फिसलना या फिर भी किसी भी दुर्घटना से बचने की पूरी कोशिश करें। आपको ख्याल रखना होगा कि जहां भी आप चल रहे हैं संभल कर चलें। और आखिर में मिथुन राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सर्वोत्तम परिणामों के लिए दोपहर 3:30 बजे से 5 बजे के बीच कुछ भी महत्वपूर्ण योजना बना सकते हैं, और मोवे आज आपके लिए शुभ रंग रहेगा। कर्क राशि, आज कर्क राशि के जातक पार्टी करने के मूड में हो सकते हैं और इसे काम पीछे छूट सकता है। सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपको काफी विचलित कर सकता है। इस समय काम के लिए आप प्राथमिकता नहीं है, फिर भी आप दिन के अंत तक बिना ज्यादा मेहनत के कार्य को पूरा कर सकते हैं। किसी भी काम को टालने की आदत बिल्कुल ना बनाएं। आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप शहर से बाहर भ्रमण के लिए जा सकते हैं, जिससे आपके साथ आपके साथी भी होंगे। आप प्रसन्नता अनुभव करेंगे। आपका साथी आपके सम्मुख अपना प्रगाढ़ प्रेम एवं आत्मीयता प्रदर्शित करेगा, जिससे प्रेम की अनुभूति होगी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपको अपनी कंपनी की ओर से कार्य के सुदूर क्षेत्र में भेजा जा सकता है। आप शायद इस यात्रा को लेकर चिंतित हो, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आप एक सितारे की तरह चमकेंगे। वहीं वित्त के मामले में कर्क राशि वालों, आज विदेश से आपको आर्थिक लाभ के संकेत हैं। कहीं दूर से आसानी से पैसा मिलने के संकेत हैं। यदि आपने विदेश में निवेश किया है या विदेश से किसी अच्छे समाचार की प्रतीक्षा है तो आज वैध है, खुशखबरी मिलेगी, सितारे आपके पक्ष में हैं। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कर्क जातक, आज आपको कोई जोड़ों की चोट लगने की संकेत है, इसलिए घुटनों एवं एड़ी की चोट से सावधान रहें। ध्यान रहे आज आप कोई ज्यादा दबाव वाला काम ना करें ताकि आप जोड़ों के दर्द से बच जाएं। वैसा आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और आखिर में कर्क राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार दोपहर 3 बजे से 5:00 बजे के बीच का समय आपके लिए अच्छा है। नीला रंग दिन के लिए भाग्यशाली रंग है। सिंह राशि, चंद्रमा के सिंह राशि में गोचर के कारण आप लोकप्रिय हो सकते हैं। आप विशेष रूप से आज आत्मविश्वास से भर सकते हैं और प्रेरित महसूस करेंगे। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, सब कुछ योजना के अनुसार होगा। आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करना जारी रखें और परिस्थिति को एक एक करके संभालें। इससे आप रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को आसानी से हल कर पाएंगे। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहने वाला है आज का दिन।
घर में लंबे समय से चली आ रहे मनमुटाव का आज कोई ना कोई हल निकल जाएगा, जिससे ना सिर्फ आपको बल्कि घर के हर सदस्य को राहत मिलेगी। इसलिए घर में शांति बनाए रखें। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के करियर के बारे में। आज शायद काम के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़े, इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी और साथ ही आपकी प्रतिष्ठा व पहचान को बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी। यह आपके लिए बेहतर अवसर हो सकता है, इसे हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। वहीं वित्त के मामले में सिंह राशि वालों, विदेशी निवेश से आज कोई आर्थिक लाभ के संकेत हैं। यदि आप अपना व्यापार विदेशों में फैलाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है। संपत्ति खरीदने के भी संकेत हैं और यदि सोच समझ कर निवेश किया गया तो भविष्य में भी अच्छे फल मिलेंगे। अपना चुनाव ठीक से करें और इसका अनुकूल समय व इस्तेमाल निकट भविष्य में अपनी सफलता के लिए करें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। सिंह जातक, आज आपको बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज कोई दुर्घटना हो सकती है जिसकी वजह से चोट लगने के संकेत हैं, लेकिन घबराइए मत, आप हर बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं। और आखिर में सिंह राशि वालों के रिलेटिव सौंदर्य, एस्ट्रोयोगी ज्योतिषों के अनुसार दोपहर 1:50 से दोपहर 2:15 तक का समय आपके लिए महत्वपूर्ण समय है और सौभाग्य और समृद्धि के लिए काला रंग पहने। कन्या राशि, सिंह राशि में चंद्रमा आपके लिए सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी सफलता आपके साथियों के बीच कुछ ईर्ष्या पैदा कर सकती है। आपको इस नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई यही है कि आपको अपनी उपलब्धियों के लिए खुद पर बहुत गर्व महसूस होगा। आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज आपको अपने पार्टनर के साथ ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा जिसमें अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय समझौते का रास्ता अपनाना आपके लिए बेहतर होगा। किसी ऐसे मुद्दे को लेकर आपके बीच विवाद होगा जो आपसे अधिक आपके पार्टनर के लिए अहमियत रखता है। विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की पूरी कोशिश करें। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के करियर के बारे में। आज उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है जिन्हें विदेश में व्यापार करने का अवसर मिला है। दूर बैठे साझेदारी से संबंधित व्यवसाय में भी लाभ होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने संपर्क सुधार बनाने की पूरी कोशिश करें, इस समय करियर संबंधी लाभ की ज्यादा आशा है। वहीं वित्त के मामले में कन्या राशि वालों, यदि आप आयात निर्यात के धंधे में हैं तो आज आपके और आपके व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा दिन है। किसी विदेशी साझेदारी के संकेत हैं और इससे बढ़िया परिणाम भी होंगे। यह विदेशी साझेदार आपके व्यापार हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कन्या जातक, आज आपको किसी भी तरह की दुर्घटना से बचकर रहना होगा। किसी भारी सामान को उठाते समय या फिर चिकने फर्श पर चलते समय आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोशिश करें कि आज आपको कोई भी आलस में रहकर काम ना करें, इसका परिणाम बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और आखिर में कन्या राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे, एस्ट्रोयोगी ज्योतिषों के अनुसार ग्रीन में कुछ भी पहनना आपके लिए लकी साबित होगा। दोपहर 2:00 से 4:00 तक का समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा, इसलिए उसी के अनुसार योजना बनाएं। तुला राशि, सिंह राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप अपने मन का कुछ काम कर पाएंगे। आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करना चाहेंगे। यह परिवार और प्रियजनों के साथ व्यवहार को लेकर भी हो सकता है। कुछ छोटे मामलों को लेकर आप खुद को कुछ दिशाओं में बिखरा हुआ पा सकते हैं। चीजों का ध्यान रखने के लिए ध्यान केंद्रित करें। आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको छोटे छोटे मुद्दों को लेकर अपने पार्टनर के साथ झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है। आप पार्टनर को दिए गए वादों को पूरा करने में अपने आप को असमर्थ पाएंगे, जो और भी ज्यादा मनमुटाव का कारण बनेगा। अनेक मामलों में कुछ सामाजिक समस्याएं भी दिन को चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं। ऐसी शादियां जिनमें नजदीकी रिश्तेदारों की असहमति है आज खटाई में पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के करियर के बारे में। जो लोग निर्यात से संबंधित व्यवसाय में है, आज का दिन उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। दूर रह रहे साझेदारों से संबंधित व्यवसाय में भी आपको लाभ होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपके संपर्क मजबूत होने की संभावना है। वहीं वित्त के मामले में तुला राशि वालों, आज विदेश से आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। यदि आपने विदेश में निवेश किया है अथवा विदेशी से कोई अच्छे समाचार की प्रतीक्षा है तो आपकी इच्छा पूरी होगी, खुशखबरी मिलेगी। सितारे आपके पक्ष में है, सकारात्मक विचार बनाए रखें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। तुला जातक, आज आपको सड़क दुर्घटनाओं से बचकर रहना होगा। और अगर आप मोटरसाइकिल चालक हैं तो आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट का उपयोग जरूर करें। और आखिर में तुला राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे, एस्ट्रोयोगी ज्योतिषों के अनुसार सर्वोत्तम परिणामों के लिए दोपहर 2:00 से 3:30 के बीच उच्च महत्व किसी भी चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पीले रंग में कुछ भी पहनने से आपको सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। वृश्चिक राशि, सिंह राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपका बौद्धिक विकास हो सकता है।
इस दौरान अपने काम और करियर की योजना बना सकते हैं। आप दुनिया में अपना नाम और अपनी खुद की जगह बनाने की भावना के साथ काम करना चाहेंगे। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा है। आत्मविश्वास के साथ अपने बड़ी और छोटी सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज आपको दावेदार होने की और उतावला होने के बीच का अंतर का समझने की जरूरत है। आज आप उतावले बन पर तुले हुए हैं, इसलिए दूसरों की ओर प्रतिक्रिया संभल कर करें। आपकी दावेदारी जहां एक और आपकी अच्छी वस्तुएं दिला सकती है, वहीं आपका उतावलापन उसे दूर भी कर सकता है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के करियर के बारे में। आज किसी ताकतवर पद की दावेदारी के लिए शुभ समय है। आप जहां तक पहुंचना चाहते हैं उसे पाने के लिए कोई कसर ना छोड़ें। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो हो सकता है आपको कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए किससे झगड़ा भी करना पड़ जाए। आज अपना हाथ ऊपर रखें। वहीं वित्त के मामले में वृश्चिक राशि वाले, आज किसी विदेशी से साझेदारी होने की संभावना है। यह दोनों के लिए फायदेमंद होगा। यदि आपने सही साझेदार चुना है तो आपको लगा कि आपके व्यवसाय में आश्चर्यजनक रूप से तरक्की हो रही है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये अच्छी तरह से जान समझ लें कि आपका साझेदार कौन बनने जा रहा है, उसे व्यवसाय के सभी नियम और शर्तें समझ लें, लेकिन समय ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। आज वो दिन है जब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज किसी भी तरह के छोटे मोटे हादसों से बचें। यह हादसे बिजली अंतरों से भी हो सकते हैं। अपने आसपास के वातावरण में काम करते समय, जैसे कि रसोई घर या टीवी देखते समय या फिर बिजली अंतरों का इस्तेमाल करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। और आखिर में वृश्चिक राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार दोपहर 1:50 से 2:15 तक का समय आपके लिए शुभ माना जा सकता है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार इस समय का सदुपयोग भविष्य की योजना बनाने में करें। धनराशि। तुला राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आप अपना काम के लिहाज से यात्रा के लिए जा सकते हैं। यह ग्रह गोचर आज आपको बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम करेगा। काम काज के लिहाज से किसी यात्रा पर जा सकते हैं या बिजनेस ट्रिप आपके करियर के लिहाज से सही साबित होगी। आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। पार्टनर के बारे में ख्याल आज आपके प्रेम संबंधों को गर्मजोशी से भर देगा। अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज का दिन गंभीरतापूर्वक निर्णय लेने का है। अगर आप उसके प्रति आसक्त हैं तो यह मन में साफ कर लें कि आप क्या चाहते हैं, और अगर आप यह निर्णय हो जाए तो उसे सार्वजनिक किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के करियर के बारे में। आज हो सकता है आप अपने सहकर्मी, बॉस या फिर प्रतिस्पर्धी से बहस कर बैठे। पूरी कोशिश करें आप किसी भी झगड़े में ना पड़े। गुस्से में आप किसी को भी कुछ गलत भी कह सकते हैं, जिससे आपको बाद में पछतावा होगा। कूटनीति से पेश आए और झगड़े से बचें। अपनी नजर अपने करियर पर रखें। अगर आपको लगे कि आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है तो बात को बिगड़ने ना दें। अगर कोई बहस हो भी जाए तो उसे शांति से सुलझाएं। वहीं वित्त के मामले में धनु राशि वालों, कोई अभिन्न मित्र या नजदीकी व्यक्ति भी आपसे शरण मांगने आ सकता है, लेकिन इसे वक्त कुछ भी देने की स्थिति में आप नहीं है। आपको बहुत बुरा लग सकता है, आप उसे शरण देने में मना कर सकते हैं। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। धनु जातक, यदि आप कहीं यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं तो यदि हो सके तो किसी उसे स्थगित कर दें। अगर आपका जाना बहुत जरूरी है तो यातायात सुरक्षा के नियमों का पालन करें और सावधानी से यात्रा करें। दरअसल समय का संकेत है, आज आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है, इसलिए पहले से अपने इंतजाम पुख्ता करके चलें। और आखिर में धनु राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार भाग्यशाली रंग ऑरेंज माना जा सकता है। सौभाग्य के लिए सुबह 9 से दोपहर 12 तक का समय भाग्यशाली रह सकता है। मकर राशि। तुला राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप में से कुछ लोग बहुत ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। आज सौभाग्य भी आपके साथ हो सकता है। आप अपने व्यवहार और अपनी क्षमता के कारण लोगों पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। आपको किसी भी महत्वपूर्ण काम को आगे डालने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहने वाला है आज का दिन। अगर हाल ही में आपको किसी दोस्त ने प्रस्ताव दिया है तो अच्छी तरह सोचें, जल्दी ना करें, क्योंकि रिश्ता आपके लिए एकाएक आया है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ विचार विमर्श करने के लिए कुछ समय मांगने में कोई हर्ज नहीं है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के करियर के बारे में। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के हल को जानने से आपका काम आगे बढ़ेगा। सत्ता से जुड़े लोग अब अपना साथ देंगे और आपका रुका काम पूरा हो जाएगा। इस सप्ताह का फायदा उठाकर अपने कागजी काम को पूरा कर लें, इससे आपका काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। वहीं वित्त के मामले में मकर राशि वाला, आज आपकी निवास स्थान बदलने की संभावना है। या तो पुराना घर छोड़कर नए में जा सकते हैं या फ्लैट की जगह कोठी में जा सकते हैं। परिवर्तन के संकेत है, इसका आनंद लें। नया परिवेश आपको अच्छा लगेगा, आप इसका भरपूर आनंद भी उठाएंगे। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मकर जातक, आज सोने से पहले थोड़ी साधना करें
ताकि आपका दिमाग को आराम मिले। आपके पास बहुत कुछ सोचने को है जिससे कि रातों की आरामदायक नहीं रहेंगी। आप सोने में आने वाली विघ्न को दूर करें ताकि सुबह आपको तरोताजा महसूस हो सके। और आखिर में मकर राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार शाम 5 बजे से पहले महत्वपूर्ण काम कर लेने चाहिए। आज आपका लकी कलर है बैंगनी। कुंभ राशि। तुला राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपको कई सारी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। तुला राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपको मूड स्विंग भी हो सकते हैं। ज्यादा सोचने से आप और दुविधा में फंस सकते हैं। आज आप वह काम करें जिसे करने में आपको मजा आता है, चाहे कोई गाना सुनना हो या फिर कोई धुन पर नाचना हो, पढ़ना हो, दोस्तों के साथ गपशप करना हो या सैर पर जाना हो। कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिले। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। अपने साथी के साथ अनावश्यक वाद विवाद से बचना चाहिए, अन्यथा फालतू की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। अनावश्यक खतरे से बचते हुए अपना ध्यान अपने भविष्य की कल्पना में लगाएं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप किसी कानूनी झगड़े में फंस सकते हैं, सावधान रहें। झगड़े को आराम से बिना किसी वकील की मदद से सुलझाने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आज बिना कानूनी मदद के काम नहीं चलेगा तो बात को ज्यादा ना बिगड़ने दें। कानूनी झगड़े को सुलझाने में बहुत समय लग सकता है। वहीं वित्त के मामले में अगर आपकी कोई वस्तुएं बीमा कराई गई है तो आर्थिक रूप से कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। यदि आपने अब तक बीमा नहीं कराया है तो बाकी बची हुई कीमती वस्तुओं का भी बीमा करा लें। अभी भी आपको अपनी कीमती वस्तुओं को खोने के या चोरी हो जाने का खतरा है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कुंभ जातक आज दिमाग को शांति प्रदान करने पर जोर डालें और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में महत्व रखती हैं। आप सांस और ध्यान लगाने की क्रियाओं पर ध्यान दें ताकि आप शांति पा सकें। आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य, काम और रिश्तेदारी सब सुधरती नजर आएगी। और आखिर में कुंभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार दिन के लिए लाल रंग में कुछ भी पहनने से आपको बचना चाहिए। सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच का समय आपके लिए अच्छा माना गया है। मीन राशि। तुला राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप छोटी छोटी परेशानियों को लेकर थोड़ा निराश हो सकते हैं। जो भी रुकावटें आज आपके रास्ते में आ रही हैं उन्हें टालने के लिए आपने बहुत प्रयास किए हैं लेकिन वह हट नहीं रही हैं। आपको धैर्य के साथ काम करना चाहिए। आपको अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने की जरूरत है। आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। अपने साथी के साथ रोमांस का मजा लेने के लिए छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने से आपको बचना होगा। ऐसा करने से आप में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा और आपका साथी आपके साथ सुरक्षित महसूस करेगा। समय रहते ऐसा करने से भविष्य के लिए आपके संबंधों की नींव और मजबूत हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के करियर के बारे में। ऑफिस में बहुत ही आप व्यस्त रहेंगे। आप पाएंगे कि काम बहुत है लेकिन समय बहुत कम है, लेकिन ध्यान रखें इसका फायदा ही होता है। परेशान ना हो बल्कि इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपको पहले क्या काम करना चाहिए। इससे आपको काफी शांति मिलेगी। आप आएंगे कि आपके अधिकारी भी इसमें आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। वहीं वित्त के मामले में मीन राशि वाले आज अपना बजट बढ़ा सकते हैं एवं आपके पास आगामी योजनाओं के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए। आपकी आर्थिक योजनाएं में कठिन श्रम के लिए धन्यवाद। इसी बची राशि को आप बैंक में रखिए जहां इसकी आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए आप सावधान रहें कि आपकी माली हालत उतनी बुरी ना हो जितनी आप सोचते हैं। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मीन जातक याद रखें कि आप असंतुलित खाना ना खाएं ताकि आपका स्वास्थ्य खराब ना हो। दिमागी तनाव को ना आने दें, इससे परेशानी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। और आखिर में मीन राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार अच्छे परिणामों के लिए शाम 6 बजे से 7:30 बजे के बीच कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। लेवेंडर कलर में कुछ भी पहनने से आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। यह राशिफल सामान्य ज्योतिष आकलन के आधार पर है। यदि आप कुंडली के अनुसार विस्तार पूर्वक अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एस्ट्रो योगी, इंडियाज नंबर 1 लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।